तो गाइस हमारे ना बारिश का टाइम हो रहा, मुझे पता नहीं था, मैं अंदर सोई पड़ी थी और मुझे बेटी ने जगाया। ये वाला टब लिया, ये वाला कहो, ये वाला लिया बेटा। और ना मैंने अनाज धोया था, वो अनाज सूख रहा छत पर और मुझे पता नहीं चला, तो मैं अनाज उठाती हूँ जल्दी से। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है संडे, तो आज मैंने ना मशीन लगाई थी, ये देखिए सारे कपड़े, अभी फ्री हुई हूँ कपड़ों से। और अभी मैंने सिर धोया अपना, अभी गीला है, सूखा नहीं है वाला। तो अभी पतिदेव जी लेते हैं अंदर, तो देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो चलिए आज इनकी चोरी पकड़ते हैं कि क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? एक सीरियल देख रहे हैं। और पूरे दिन फोन में लगे रहो, है ना? और कुछ काम ना है? अब चाय बनाऊं? चाय पी लीजिए। चाय गर्मी पड़ रही है, चाय ना बनती। तो ये यहाँ लेटे हैं अपने फोन में, ये देखो लगे हुए हैं। लेते हैं इंटरव्यू। तो ये हमारे दिन जी लेटे हुए हैं, ये देखिए आज ये कुछ आपसे बोलेंगे। हाँ चलो ना। अभी मेरे दो भूषण पढ़ चुके हैं। अच्छा भूषण समझो ना, भूषण पढ़ चुके हैं ना, बोली गए थे हम सारा टाइम फिट फिट करता हूँ आपसे किसी बात में बिना अभी के बात करो तो कर देते कैसे ही वैसे अभी भूषण मारे थे मेरे झूठ बोल रहे हैं ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ मेरी बुराइयां करेंगे, इनको और कुछ काम नहीं है, है ना? तो इनसे बात करना बेकार है, तो मैं ही आप सबसे बात कर लेती हूँ। अभी करती हूँ मैं इसकी लाइट बंद। तो गाइस अभी मैं आ रही हूँ किचन में, और बच्चे बोल रहे थे मैक्रोनी खाने के लिए, तो फिर मैं मैक्रोनी बनाने के लिए आ गई। और ये ना हमारे हस्बैंड जी बस पतिदेव ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं पूरा दिन, और ऐसे ही टाइम पास हो जाता है क्योंकि लॉकडाउन है, तो ऐसे ही हंसी मजाक होता ही रहता है घर में। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ हो गया ऑयल गर्म, और मैं इसमें डालूँगी जीरा। तो मैंने ना मैक्रोनी नहीं, वो पास्ता बोलते हैं ना, वो बना रही हूँ। तो वो ना मैंने थोड़े ना देर हो गई, वो गलने के लिए रख दिए थे पानी में, तो वो ज़्यादा ही गल गए, तो इसलिए थोड़े वो ऐसे हो गए मरे मरे से। अभी आपको दिखाती हूँ। तो अभी यहाँ मैं जीरा गरम हो चुका है, फिर मैंने एक प्याज काटी थी, तो मैं यहाँ एक प्याज भी डाल दूँगी इसी में, और अच्छे से प्याज को भून लूँगी। ये देखिए प्याज मैंने डाल दी है, और मैं अच्छे से इसे भून लूँगी। और अच्छे मतलब दोपहर में मन नहीं कर रहा था खाना वगैरह, मतलब
खा लिया था। फिर उसके बाद बच्चे बोले, बच्चों को जल्दी भूख लगाती है तो इसलिए बच्चे बोले कि मम्मी कुछ बना दो। तो फिर मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए आज पास्ता बनाती हूँ, तो मैं वो ही बना रही हूँ। तो अभी ये गर्म हो गया तो ये हो गया। और यहाँ मैं ना एक टमाटर भी काटा हुआ था तो मैं उसे भी डाल दूँगी टमाटर को, और अच्छे से उसे भी भून लूँगी। और टमाटर आजकल पता नहीं कैसे लेकर आ रहे हैं ये हरे हरे से, ये देखिए हरे हरे से हो रहे हैं। तो मैं इनसे बोल रही थी कि टमाटर अच्छे से लेकर आया करूँ, लाल लाल से जो होते हैं वो वाले, तो वो ना अच्छे से भुन जाते हैं, इनमें लगता है टाइम। तो यहाँ मैंने ये डाल दिए हैं और इन्हें भी मैं अच्छे से कर लूँगी मसाला गरम। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि मौसम है गर्मी का, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारे यहाँ। और अभी तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ और लाइट नहीं आ रही, फिर भी अंधेरे में बैठी हुई हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं एडिटिंग ही कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने इसमें डाले हैं मसाले, मिर्च, हल्दी, नमक, यही डाला है। और मिर्च मैंने हल्की डाली है क्योंकि बच्चों की वजह से, बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं और ना ही बच्चों को देना चाहिए, तीखा ज़्यादा नुकसान करता है इसलिए। तो मैंने यहाँ मसाले वगैरह सब डाल के और हल्का सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी जो कि अच्छे से ये गल जाए टमाटर, क्योंकि अभी गले नहीं है ना ये, तो इसलिए। तो मैंने हल्का सा पानी डाल दिया है और ये अच्छे से गल जाएंगे। तो यहाँ आप देखिए मसाला हो चुका है और ये देखिए पास्ता कैसा हो गया, मरा मरा सा, क्योंकि मुझे ना मैं रख कर और किसी काम में लग गई थी तो मैं भूल गई थी। तो मैंने फिर देखा तो ये एकदम ऐसा हो गया अच्छे से, मतलब फूल गया ये। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर मैं बना लेती हूँ बच्चों के लिए। तो ये देखो जब मैं चला रही थी ना तो ये अच्छे से चल भी नहीं रहा था, इस तरीके से हो गया ये। तो फिर मैंने कहा इसे ज़्यादा नहीं चलाऊँगी, इसलिए मैंने इसमें पानी डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि अच्छे से ये हो जाए। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया क्योंकि मैं इसे ज़्यादा चलाती ना तो ये फिर एकदम पतला सा हो जाता ज़्यादा ही, तो जो खाने में फिर टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए मैंने पानी डाल के इसे चला दिया। और मैं इसे ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और बिराद हल्ला मचा रहा है कि मुझे अभी खानी है, अभी खानी है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ जल्दी से। तो ये मैंने रख दी है और मैं इसे ढक दूँगी अभी प्लेट से। तो ये देखिए हमारी बनकर हो गई पास्ता तैयार, और ये विराज बैठा हुआ है, इसे मैं दे रही हूँ क्योंकि ये हल्ला मचा रहा था बहुत ज़्यादा।